हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महोबा जिले की तहसील कुलपहाड़ के अंतर्गत ग्राम धवर्रा का है, जहां पर एक खेत में बाड़े से चोरों ने सूनेपन का फायदा उठाकर चार भैंसों को पिकअप पर लोड कर रफू चक्कर हो गए। जब मनोज साहू और उसके परिजन खेत पर पहुंचे तब उनको मालूम पड़ा कि खेत से भैंसे गायब हैं, लिहाजा उन्हें भैंस चोरी होने का अंदेशा हुआ। तब मनोज साहू और उसके परिवार वालों ने आसपास तलाश करके लोगों से पूछताछ की। कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त होने के बाद मनोज साहू और उसके परिवार के लोग चौकी पहुंचे। इसके बाद कुछ लोग कानपुर के लिए भी निकले, जहां कानपुर के पास उन्नाव भूछ लखाने के बाहर भैंसों से भरी चार पाँच पिकअप वहाँ खड़े पाए। जब परिजनों ने पिकअप में झाँक कर देखा तो उनकी चारों भैंसें नजर आईं। गौरतलब है कि चारों चोरों को जैसे ही भैंसों के मालिक के मौके पर पहुंचने की खबर लगी तो चोर पिकअप छोड़कर भाग खड़े हुए। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप का रजिस्ट्रेशन क्रमांक UP 93 BT 1646 बताया जा रहा है, तो वहीं भैंसों की कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही। परिजन भैंसों सहित पिकअप धौर्रा चौकी लेकर आए, जहाँ पुलिस ने मामला दर्ज कर भैंसों को परिवारजन के सुपुर्द कर चोरों की तलाश में जुट गई है। महोबा से स्टेट हेड प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। साहू कहाँ के निवासी? नौगांव के निवासी। क्या क्या घटना घटी है, क्या मामला है और क्या इसकी शिकायत कहाँ की गई? सर हमारी भैंस चार भैंस चोरी हुई है, यहाँ की शिकायत धौर्रा की गई है, जो पिकअप में लाद के भैंस ले गई हैं। और हम लोग निकले कानपुर से निकले उन्नावा में भैंस हम लोगों को मिली है, पिकअप में लदी थी। तीन भैंस मिली है, एक भैंस मिली नहीं है अभी। कब चोरी हुई थी? कुछ चोरी हुई थी कल रात को सर। कितनी भैंस? चार भैंस चोरी हुई थी, जो तीन हमें मिली है एक मिली नहीं है अभी। देखिए, एक वादी हैं मनोज साहू, इन्होंने प्रार्थना पत्र कल दिनांक 19/4/2022 को दिया था। ये भैंस चोरी के संबंध में था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। जो भी होगा जांच से स्पष्ट सामने आ जाएगा, जो भी मेथड होगा इसका। मुकदमा किसके धारा के अंतर्गत किया और क्या चोरी हुई? मुकदमा 379 धारा में पंजीकृत किया गया है। अब विवेचना के आधार पर जैसे भी सस्पेक्ट मिलते रहेंगे, उस आधार पर विवेचना धारा बढ़ती रहेगी।